नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग सच्ची वीरता का लेसन कर रहे थे। सच्ची वीरता, सच्ची वीरता में हम लोग पढ़ रहे थे कि सच्ची वीर पुरुष के क्या गुण होते हैं। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह जी ने अपने निबंध में सच्ची वीर पुरुषों को कई उदाहरणों से समझाया है और उसको हम लोग वन बाई वन ऐसे समझ रहे थे। ठीक है, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि निबंध में, कहानी और उपन्यास, अन्य विधाओं में क्या अंतर है। और स्पेशली निबंध को हम जितना बोरिंग समझते हैं, तो निबंध को इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो और अधिकतर एग्ज़ाम्स वगैरह में, प्रतियोगिता में निबंध पे ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्यांश वगैरह निबंध पर ही आते हैं, उनके जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ चुके थे कि सच्चे वीर पुरुष दृढ़ होते हैं, संकल्पी होते हैं, हाँ, और आज़ाद होते हैं। हाँ, आगे की हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और उसके कठिन शब्दों को हल करते हुए चलेंगे, उसके कठिन शब्दों को हम लोग जानते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि जो वीर पुरुष होते हैं, वे उनके अंदर ऐसा गुण होता है कि वो सबके दिलों को जीत लेते हैं। उसका मन सबका मन हो जाता है। ठीक है, उसका दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, मतलब कि वो सबका प्रेमी हो जाता है। उसकी बात को सब लोग सुनते हैं कि हाँ, ये अच्छा इंसान, एक अच्छे इंसान के रूप में उसको देखते हैं। विचार करके सबके विचार हो जाते हैं, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। ये सच्चे वीर पुरुष की क्या बताया है, विशेषता बताया है कि सच्चे वीर पुरुष में ऐसे गुण होते हैं जो सबका हृदय जीत लेते हैं। ठीक है, वीरों को, और ऐसे इसमें कोई ऐसा कोई शब्द नहीं था कि उसके बारे में चर्चा की जाए इस पैरा में। यह संकल्प, संकल्प को तो हम क्या कहते हैं, निश्चय कहते हैं, दृढ़ संकल्प होना, मतलब कि दृढ़ निश्चय होना। ठीक है, और वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। देखिए, लेखक की शैली, हमने कहा था कि निबंध में लेखक की शैली महत्वपूर्ण होती है, वो लिखने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। तो वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, ये देखिए कितने अच्छे शब्दों में कहा है लेखक ने, सरदार पूर्ण सिंह जी ने, कि वीरों को बनाने के कारखाने, कारखाने में बच्चों क्या बनते हैं? हाँ, कारखाने में हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, घरेलू से सामान से संबंधित, अपने अपने जो है दैनिक उपयोग से संबंधित चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वीरों की जो अंदर के गुण हैं, हम उसको, या वीरों को हम जो है किसी कारखाने में नहीं बना सकते हैं, वे तो स्वतः उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे कि देवदार का वृक्ष होता है, देवदार का वृक्ष जानते हैं कैसा होता है? शंकुकार का होता है। शंकुकार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके जो है ऊपरी, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा जो हिमालय का क्षेत्र है, हाँ, जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, और जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत है ना, तो भारत में जो ये ऐसे हमारे गए हैं, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो हमारे जो जो भारत का ऊपरी क्षेत्र है, हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वहाँ पे किस किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? शंकुधार वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे वृक्ष होने का मतलब ये होता है कि जो है जलवायु के अनुसार ही वृक्ष और वहाँ की चीज़ें होती हैं। ऐसे वृक्ष इसलिए होते हैं ताकि उनके ऊपर जब बर्फ़ पड़ती है तो वो उसकी पत्तों से सरक कर नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ऐसे वृक्षों को हम शंकुधारी वृक्ष बोलते हैं। कैसे वृक्ष होते हैं? ऐसे वृक्ष होते हैं, और वहाँ पे ही देवदार के वृक्ष, इन्हीं वृक्षों को हम कहते हैं देवदार के वृक्ष। ठीक है, ऐसे वृक्ष होते हैं। ठीक है, इनके पत्ते भी ऐसे ऐसे होते हैं।
और ऐसा कोई वीडियो होगा जब मैं डालूँगी ज्योग्राफी में, जब सोच रही हूँ कि पढ़ाऊँगी तो उसका जब वीडियो डालूँगी तो ऐसा कभी दिखा दूँगी आपको कि देवदार के वृक्ष कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप खुद सर्च करके देखिएगा। और शंकुधार वृक्ष होते हैं, और वो क्या होते हैं कि ये देवदार के वृक्ष की विशेषता है कि वो उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं काफ़ी हल्की होती हैं और बहुत सारी उपयोग में भी आती हैं वो वृक्ष, ठीक है। देवदार का जो वृक्ष होता है बहुत सारे कार्य में उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये देवदार के जो वृक्ष होते हैं वहाँ पे ऐसे ही स्वतः ही ऐसे उत्पन्न होते हैं, हाँ, और उनको किसी पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो ऐसे बढ़ते जाते हैं, हाँ। वहाँ पे ऐसे जगहों पे कौन उन्हें पानी देगा, लेकिन वो स्वतः बढ़ते हैं। तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद व खुद पैदा होते हैं, कह रहे हैं। अरण्य मतलब होता है बच्चों जंगल, अरण्य का मतलब जंगल, ठीक। तो कह रहे जीवन की तुलना की है अरण्य से, जंगल से, कि जंगल में देव ऐसे जंगल में वहाँ के जंगलों में देवदार के वृक्ष स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से वीरों का जीवन भी स्वतः ही उत्पन्न होता है, उनके जो गुण हैं वो स्वतः ही होते हैं। और बिना किसी के पानी दिए, देवदार का वृक्ष जो होता है वो बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर भी खड़े हो जाते हैं। देवदार के भी उसी भांति वीर पुरुष भी कोई उनके गुणों को पनपाता नहीं है, वह स्वतः ही जो है पनप जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे विरले ही होते हैं ऐसे वीर पुरुष, ऐसे सच्चे वीर पुरुष विरले ही हमें मिलते हैं, वो जो हमारे सामने अड़े होके खड़े हो जाते हैं और हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको समझे होंगे। गद्य कभी कभी गद्यांश गद्यांश करने को जो आदेश है, पद्यांश की हम व्याख्या करते हैं वैसे गद्यांश की व्याख्या करते हैं। तो जब हमें शब्दों के अर्थ पता रहेंगे तो आप उसकी व्याख्या कर पाएंगे और उनके प्रश्नों को हल भी कर पाएंगे। तो हमें शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब दूसरा पैरा में है कि हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना, हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोकर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना, पहले दर्जे की बुजदिली है। अब इससे मुझे तो याद आ गया बच्चों की अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे भी ऐसे ही होते हैं जो बहुत जोर शोर से ठानेंगे कि हाँ टाइम टेबल बनाएंगे, ये करेंगे, मैं पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन थोड़ी सी आलस आता है, वो आता है तो हम पीछे हट जाते हैं, छोड़ आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो अडिग होते हैं, जो स्थिर, जो दृढ़ संकल्पी होते हैं, उनके लिए ये आलस वालस कुछ कोई मायने नहीं रखते। और वही बात बता रहे हैं, सच्चे वीर पुरुष की तुलना ही कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं कि हर बार दिखावा करना, यहाँ सच्चे वीर पुरुष नहीं, कायर कायर लोगों की बात कर रहे हैं। कायर लोग की बात करेंगे तभी तो हम अपोजिट में सच्चे वीर पुरुष की बात करेंगे। तो हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोकर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना, पहले दिखावा करना, ये कायर तो कायर लोगों की विशेषता है, एक दिखावा करना और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना ये, और फिर उसके बाद पीछे हट जाना, ये सब क्या है, बुजदिली है। क्या है बुजदिली? बुजदिली का मतलब होता है कायरता। क्या है कायरता? वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, ठीक है। वो जीवन को, वीर पुरुष जो होते हैं वो जीवन को कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीवन है कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा कुछ नहीं समझते हैं। वो जितना भी जीवन है उस इस जीवन को वो जो है एकदम एकदम पानी की तरह समझते हैं और अपनी अपनी जीवन में वो दृढ़ रहते हैं, ठीक है। उनको जीवन की मोह माया नहीं होती है। तो वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है। क्या है? जरा सी चीज़ है, हाँ, थोड़े सा जीव थोड़ा ही है मनुष्य का जीवन, बहुत छोटी सी बात है। जरा सी चीज़ मतलब छोटी सी बात है। वह सिर्फ एक बार
के लिए काफ़ी है, जीवन सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। और कायर पुरुष समझते हैं कि यदि मैं ऐसा कुछ किया तो कुछ कहीं कुछ घटना न घटित हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन जो वीर होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है, क्या हुआ जो होगा सो होगा। ठीक, बंदूक में केवल एक गोली, बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक ही बार ही प्रयोग किया जा सकता है। ये देखिए क्या है, प्रयोग है, प पे हलंत लगा है ना, तो प हो गया आधा, और र है, प और र दोनों मिलके बन गया प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। वीर पुरुष जीवन को कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है, वीर पुरुष जीवन को कुछ भी नहीं समझते हैं, और कायर पुरुष इसी जीवन को बहुत कुछ समझते हैं। उनके लिए जीवन बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल यानी कि मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। हाँ, यदि ऐसा कोई घटना घटी तो जाए, बहुत दृढ़ संकल्पी रहें और ऐसी कोई घटना आ जाए जो काय पुरुष की विशेषता बता रहा है, ऐसी कोई घटना सामने आ जाए जिससे उनके जान को खतरा हो, तो फिर वो पीछे हट जाएंगे कि कहीं हमारी जान को खतरा ना हो जाए। हाँ, अभी तो मेरे पास बहुत से जीवन है, लेकिन काय पुरुष जो वीर पुरुष होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं। हाँ, जीवन तो थोड़ी के लिए है, अभी नहीं, अभी हट गए तो कभी नहीं, ऐसा वो इस तरह से सोचते हैं। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु गरजने वाले बादल कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो कायर पुरुषों के लिए बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? कायर के लिए बोलते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वही कह रहा है कि गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, हाँ, परंतु बरसने वाले बादल जो होते हैं वो जरा सी देरी में मूसलाधार वर्षा करते हैं। जब यदि मूसलाधार वर्षा करनी है तो जरा से ही बादल काफ़ी है, आए और फटाक से बरसे और चल दिए। और लेकिन जो खूब गड़गड़ाहट आएगी और बारिश क्योंकि थोड़ी सी होगी या तो होगी ही नहीं, तो जो इस तरह की जो सिचुएशन किसकी होती है? कायर पुरुषों की होती है। ठीक है बच्चों, तो आज इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं ताकि आपको इस गद्यांश को अच्छे से समझने में आपको हेल्प मिले और कठिन शब्दों को आप अच्छे से समझ सकिए। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिए बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और उसके बगल में जो बेल बटन होती है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको मिल सके। तो फिर अब अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो अगली पैरा है उसके साथ में। तो बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।